था। मैं विवेक परमार सूबेदार के पद पर डीआरपी लाइन इंदौर में वर्तमान में कार्यरत हूँ। फिजिकल जब मेरा 2015 में रिटर्न क्वालिफाई हुआ था तो मैं फिज़िकल के लिए मैंने सीनियरों से बातचीत करी, पूछा कि कहाँ पर जाऊँ फिज़िकल के लिए। फिर उन्होंने ऑफिसर का रेफरेंस दिया। मेरा पास्ट में कोई फिज़िकल एक्टिविटी में करता नहीं था, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं फिज़िकल निकाल ही लूँगा। मैं बैडमिंटन प्लेयर था लेकिन रनिंग नहीं करता था, तो मुझे डर था कहीं ना कहीं कि मैं रनिंग निकाल पाऊँगा या नहीं। फिर मैं ओपी ग्रुप में ने ज्वाइन किया, ओपी सर के सानिध्य में मैंने रनिंग स्टार्ट करी। पहले मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा वीक थी, धीरे 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 करते 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 मैं रनिंग ओपी सर के सानिध्य में ओपी सर के गाइडेंस में क्वालिफाई कर पाया। ओपी सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, मैं हमेशा उनके मार्गदर्शन में अपनी रनिंग करता था। ओपी सर ने मुझे तीन चीज़ों के बारे में मूल मंत्र दिए, प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट। क्योंकि आप वर्कआउट तो कर सकते हैं लेकिन अगर आप प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो उस वर्कआउट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो आपने वर्कआउट करके आपकी मसल्स ब्रेक करी या आपने एनर्जी आपकी लॉस हुई है, उसकी रिकवरी के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। और रनिंग में डाइट का उतना ही मेन रोल है जितना वर्कआउट का। आप बिना डाइट और बिना रेस्ट के आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली वर्कआउट करने में अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो अब आपको वीकनेस आ जाएगी, इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि रनिंग करते करते बहुत सारी लेग्स इंजरियाँ होने के चांसेस रहते हैं, जिनकी रिकवरी के लिए प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है। सिन पेन है, एंकल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम रनिंग में आती जाती रहती है, लेकिन ये ग्राउंड इंजरी रहती है जो ग्राउंड में ही वर्कआउट के समय जाती है। और ओपी सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मेरी जितनी भी रनिंग में गलतियाँ हैं उनको बताया, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाता है वो बताया। और मैं आज अगर सब इंस्पेक्टर बना हूँ तो ओपी सर ने रनिंग निकलवाई है इसलिए बना हूँ।